students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our 17th chapter. It is the last chapter of first semester. Okay? नाम है आपका, देखो ये वाली बुक निकालो, विकास नगर की छोटी वाली. ओके? इसमें देखो चैप्टर नंबर 17, ठीक है, चैप्टर नंबर 17, उसका नाम है गौरी. ओके? गौरी कौन है? जो है एक गाय का नाम है, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा. गौरी एक गाय है जो कि अशोक के घर में उन लोगों ने पाल रखी है. ठीक है, आया सब में? मैंने आपको बताया था अशोक यहाँ पे पेट्स है ना. उन्होंने मोती नाम का जो एक डॉग है ना, और एक कैट है मीनू, है ना. तो और एक ये गौरी है, ये गाय का नाम गौरी रखा है. ठीक है, तो ये जो है इनके घर में पाली हुई गाय है. ठीक है, आठ पर से को सफेद सींग पूंछ लंबी और दूध. ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड से आप लोगों को समझ में आ ही जाएंगे. ठीक है, अब हम लोग रीड करेंगे. पहले मेरे साथ सब लोग रीड करेंगे. यह हमारी गाय है ना, वो बता रहे हैं अशोक, रूपाली और दीपाली. इसलिए हमारी लिखा हुआ है, मेरी नहीं लिखा है. मेरी लिखा होता तो कौन बोलता? तीनों में से कोई भी एक बोलता, भाई बहनों में से, बराबर है ना. इसलिए अशोक तीनों लोग बोल रहे हैं, या पूरा फैमिली भी समझ सकते हैं कि यह हमारी गाय है. इसका रंग सफेद है. गाय का रंग कैसा है? सफेद. ठीक है, हम इसे गौरी कहते हैं. कहते हैं मतलब क्या है? कहते हैं का मतलब क्या है? कि उसका नाम है ना. हम किसी भी चीज का नाम होता है तो उसको हम लोग उसी नाम से बुलाते हैं, वो नाम उसका कहते हैं. ठीक है, कोई भी वस्तु का आप लोग टेबल है, चेयर है, तो हम उसको टेबल कहते हैं, बराबर है ना. तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं. तो मतलब इसका नाम क्या है? गौरी. आ गया समझ में? इसके दो सींग हैं, बराबर. दो जो है हॉर्न्स आपको दिखते हैं यहाँ पर, गाय के दो सींग होते हैं ऊपर. ठीक है, इसकी पूंछ लंबी है. गाय की पूंछ कैसी है? लंबी होती है, और उसके लास्ट में जो है बालों का गुच्छा होता है ना लास्ट में. फिर यह हरी घास खा रही है. ठीक है, गाय जो है वो हरी घास भी खाती है, सूखी भी खाती है, बराबर ना. चोकर जिसको बोलते हैं वो भी खाती है, तो उनका खाना होता है घास. तो इसमें आपको पिक्चर में हरी घास खा रही है. ठीक है, यह हमें दूध देती है ना. गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है ना. गाय और भैंस जो भी है वो मिल्क देने वाले है, बकरी है ना, मिल्क देने वाले एनिमल है. ठीक है, तो गाय का दूध जो है वो ज्यादा पौष्टिक होता है ना. छोटे बच्चे को तो वही देते हैं गाय का दूध, क्योंकि वो डाइजेस्ट जो है जल्दी होता है. ठीक है, और सब दूध में तो बहुत सारे न्यूट्रिशियंस होते हैं, बराबर है ना. इससे वो बहुत पौष्टिक कहलाता है. ठीक है ना, और पाचक होता है. पाचक मतलब डाइजेस्ट जो है हमको जल्दी होता है. गाय का दूध हमें अच्छा लगता है ना. अशोक क्या बोल रहा है? कि गाय का दूध हमको बहुत अच्छा लगता है. गाय हमारी मानता है ना. गाय को हम लोग जो है मदर मानते हैं, बराबर है ना. गाय को जैसे हम धरती माता होता है, ऐसे हमको गाय माता, गाय पशुओं में जो है गाय की हम पूजा करते हैं. और किसी पशु की पूजा नहीं करते कभी, कि लग लगा के आरती करके पूजा करते हैं. कोई जानवर की हम लोग गाय की पूजा करते हैं, बराबर है. क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गाय के अंदर जो है सारे देवताओं का निवास होता है ना. गाय के अंदर जो है सारे देवता लोग जो है समाये हुए हैं. जब आप लोग फिफ्थ में आओगे ना, मैं आपको इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगी. ठीक है ना, तो कहा जाता है ऐसा कि राक्षसों से बचने के लिए जो है सारे देवताओं को हनुमान जी जो है उनके अंदर निवास करवाया था. गाय के अंदर एक गाय बना दी, बराबर है ना, शक्ति से. ठीक है, तो इसलिए हम लोग गाय को माता के रूप में पूछते हैं कि गाय के मस्तक में जो शंकर भगवान का निवास है. ऐसे जितने भी उसके अंग हैं उसमें सबने सारे देवताओं का निवास है. इसलिए हम लोग गाय को माता मानते हैं. कि हम लोग जो है गाय की अगर पूजा हमने कर दी तो हमने समझ लो इतने सारे 35 करोड़ जितने देवता है सबकी पूजा हमने कर दी, बराबर है. हम लोग रोटी देते हैं है ना गाय को, तो इस तरीके से जो है गाय को हम माता मानते हैं. आया समझते हैं? ओके. 36 पेज. गाय के दो डैश हैं. अब गाय के दो क्या हमने पढ़ा? सींग है ना. तो गाय के दो सींग हैं. सेकंड है गाय डैश खाती है. क्या खाती है गाय? हरी घास. या घास लिखोगे तो भी चलेगा, सूखी और हरी दोनों खाती है ना. इसे आप हरी घास लिखोगे तो भी चलेगा. गाय का दूध हमें डैश लगता है. गाय का दूध हमको
अच्छा लगता है, तो यहाँ पे क्या शब्द लिखेंगे, अच्छा। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय का नाम क्या है, क्या के बदले में आप उसका नाम लिख देंगे, लिख दोगे गाय का नाम गौरी है, गाय की पूंछ कैसी है, तो गाय की पूंछ कैसी है, लंबी, तो हम क्या लिखेंगे, गाय की पूंछ लंबी है, गाय हमें क्या देती है, दूध देती है, तो गाय हमें दूध देती है। आपको ऐसा भी आ सकता है, गौरी का रंग कैसा है ना, गाय का रंग कैसा है, तो आप क्या लिखोगे, गाय का रंग सफेद है, वो आपको वन वर्ड आंसर में आता है, ठीक है ना, कभी आ सकता है, ऐसे भी पूछेंगे तो आपको लिखना आना चाहिए, बराबर है ना, बिल्कुल लास्ट लेसन तक हम लोग आए, लास्ट लेसन पे आ गए अभी, तो आपको सब कुछ आना चाहिए हिंदी में, बराबर है। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, आप लोगों ने ये इसमें सब पढ़े हुए हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, ठीक है, बछड़ा, ठीक है, डॉग के बच्चे को, कुतिया के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, पपीज है ना, काऊ का आप लोग लिखते हो ना, डॉग पपीज है ना, फिर ऊंट के बच्चे को गोता कहते हैं हिंदी में, गोता, ठीक है ना, कॉल्ट लिखते हो ना आप इंग्लिश में, ऐसे इसमें क्या बोलते हैं, गोता, घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहते हैं, हम लोग हॉर्स के यंग वन को फॉल कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बछेड़ा। दोनों में बहुत फर्क रखना है, गाय और घोड़े के बछेड़ा में एक ही मात्रा लगानी है और ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, जैसे शीप को हम लोग लैम बोलते हैं, बराबर है ना, तो वैसे ही भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, जैसे भेड़ मतलब क्या होता है, शीप है ना, जिससे हम लोग वूल निकलता है, जिससे है ना, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना मतलब लैम है ना, तो ये आपको लर्न करना है। आगे समझे, राइट द साउंड ऑफ द यंग वंस ऑफ द एनिमल्स, ऐसा आपको लिखा हुआ आता है, प्राणियों के बच्चों के नाम लिखो, ठीक है ना, तो आपको ये लिखना आना चाहिए, गाय तो डैश होगा तो बछड़ा, कुत्ता पिल्ला है ना, या कुटिया पिल्ला, ऊंट बोता, घोड़ा बछेड़ा, भेड़ मेमना, आया समझ में, ये आपको ऐसे डैश में भी आता है तो आपको वो लिखना आना चाहिए, हो गया क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 17 चैप्टर ओवर होता है। अब वर्कबुक में देखो, टेकआउट पेज नंबर 26-27 मैंने दिया है, इसमें 26 में ये आवर हेल्पर्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना, कौन कौन हमारी हेल्प करता है, मतलब हमने पहले पढ़ा था उसमें राजगीर और वो सब पढ़ा था ना, डॉक्टर और वो सब, अब इसमें आपको थोड़ा डिटेल में दिया हुआ, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट वन है आपका फार्मर, किसान फार्मर ऐसे लर्न करने का, माली गार्डनर, मजदूर वर्कर, डॉक्टर डॉक्टर, शिक्षक टीचर, सैनिक सोल्जर, ऐसे याद करने, ये सब हमारी हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, किसान खेत में खेती करता है, ठीक है, तो आपको देख देख के लिखना है खाली इसमें, आप किसान कैसे करता है, खेत में खेती, खेत में जाता है, फिर वो हल चलाता है, बीज बोता है ना, हमारे लिए अनाज उगाता है, फिर अनाज हमको मिलता है, इतनी मेहनत करने के बाद में हम लोग गेहूं चावल सब लाते हैं ना घर में, वो सब किसान हमको देता है, तो इसलिए किसान हमारा क्या कहलाया, हेल्पर है ना, हमारी मदद करता है, ठीक है। फिर माली बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देता है, ठीक है, तो पेड़ पौधे जो है हमारा गार्डन अच्छा दिखता है ना, तो वो माली क्या करता है, गार्डनर क्या होता है, उनको पानी डालता है पाइप से, ठीक है। मजदूर कारखाने में काम करता है, मजदूर जो है वो वर्कर है, तो ही तो फैक्ट्री चलती है, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, या फिर कोई मकान बनता है, आपने देखा बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, आप लोग मजदूर बोलते हैं ना उसको हिंदी में, मजदूर बोलते हैं, तो मजदूर काम करते हैं बहुत सारे है ना, तो वो भी हमारे हेल्पर है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमको बना के देते हैं, बराबर, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, कितने सारे मजदूर लोग काम करते हैं, खेत में भी जो है फसल कटती है मजदूर काम करते हैं, हर जगह जो है मजदूर तो हर जगह काम करते हैं, फैक्ट्री में भी मजदूर काम करते हैं, बराबर है। तो जैसे ये कारखाने में काम कर रहा है, देखो कारखाना मतलब फैक्ट्री है ना, तो ये जो है कोई भी मशीन बनाते हैं या जो भी उनका फैक्ट्री का काम होता है वो सब करते हैं, तो मजदूर कारखाने में काम करता है। डॉक्टर दवाखाने में मरीज को दवा देता है ना, डॉक्टर दवाखाने में होता है और मरीज को दवा देता है, ठीक है, उसका इलाज करता है, तो पता है सबको। शिक्षक स्कूल में छात्रों को पढ़ाता है, जैसे हम मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बराबर है, ये बोर्ड है देखो है ना। सैनिक देश की रक्षा करता है, सैनिक लोग जो होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, आपको पता है सोल्जर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं ताकि दूसरा कोई जो है वो दुश्मन हमारे देश पे आक्रमण ना करे, बराबर है। अब सही गलत यह आ गया समझ में सबको,
राइट रॉन्ग देखो, इसमें आपको करना है मजदूर कारखाने में काम करता है, राइट। माली दवाखाने में मरीजी को दवा देता है, रॉन्ग, डॉक्टर देता है। किसान खेत में खेती करता है, राइट। शिक्षक बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देता है, रॉन्ग। सैनिक देश की रक्षा करता है, राइट। डॉक्टर खेत में खेती करता है, रॉन्ग। बराबर तो इस तरीके से आपको वन वर्ड आंसर। कारखाने में काम कौन करता है, मजदूर। मरीज को दवा कौन देता है, डॉक्टर। देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक। स्कूल में छात्रों को कौन पढ़ाता है, शिक्षक। खेत में खेती कौन करता है, किसान। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये खाली वर्कबुक में लिखना है आपको, यहाँ मैंने लिख दिया है, तो इधर हमारी वीडियो ओपन होती है। बाय चिल्ड्रन।